नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नून। नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका, अपने चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी जेडीयू। बिहार में सत्ताधारी नीतीश कुमार की पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। दरअसल चुनाव आयोग ने जेडीयू का झारखंड में सिंबल फ्रीज कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत पर ऐसा किया गया है। जेएमएम ने भारतीय चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि जेडीयू और जेएमएम का चुनाव चिन्ह एक ही तरह का है, जिससे जनता में भ्रम पैदा होगा। चुनाव से ऐन वक्त पहले चुनाव आयोग का ये फैसला जेडीयू के लिए एक झटका जैसा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सुरक्षा में कटौती, अब मिलेगी जेड प्लस सिक्योरिटी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा में कटौती की गई है। उन्हें मिली एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा वापस लेकर जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार मनमोहन सिंह पर खतरे के आकलन को देखने के बाद यह फैसला किया गया है। फिलहाल एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मिल रही है। कश्मीर पर मायावती का केंद्र सरकार को समर्थन, विपक्ष पर उठाया सवाल। कश्मीर में धारा 370 और 35 ए हटाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं। वे जम्मू कश्मीर में 370 के कतई पक्ष में नहीं थे। मायावती ने कहा कि 370 खत्म होने के बाद प्रदेश में हालात सामान्य होने में समय लगेगा। गेंदबाजों ने दिलाई भारत को जीत, 100 रन पर सिमटा वेस्टइंडीज। भारत वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत के गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को चौथे दिन ही जीत दिला दी। 419 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम केवल 100 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। बुमराह ने 5, ईशान शर्मा ने 3 और शमी ने 2 विकेट चटकाए। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान की ओकुहारा को हराकर जीती विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। महज 38 मिनट चले इस मैच में सिंधु ने ओकुहारा को 21-7 से हराया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सिंधु पहली भारतीय है। 6 टूर्नामेंट में 5 पदक जीतकर वह इस चैंपियनशिप की सबसे कामयाब इंडियन शटलर बन गई है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।